Hello dear students, welcome to today's class. So children, you know we are carrying on with this first chapter. Carrying on kya? Today we will be completing this chapter, what is democracy and why democracy. Children, you know it very well that simple word democracy, but big meaning. When we are staying in a country, we should know about the kind of administration that is being that is ruling us, where we are following certain rules and regulations, where we are following certain orders, where we are following certain disciplined way of life. ये democracy में बहुत अच्छे से practice होता है. तो इट मींस दैट नो कंट्री इज, देखो डेमोक्रेसी तो हमने बात कर ली यस्टरडे वेयर वी हैड स्टॉप, जहां पे हम रुके थे. इट वॉज सेइंग दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. हम ब्रॉडर मीनिंग की बात कर रहे हैं ना, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ब्रॉडर मीनिंग. तो एक चीज तो बहुत ही एविडेंट हो जाती है दैट द कॉमन पीपल हैव गॉट ऑल द पावर्स. एक आम आदमी जो होता है उसके पास सारे पावर्स होते हैं इन डेमोक्रेसी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज्ड थिंग दैट वी फाइंड इन अ डेमोक्रेसी. एंड इन फ्यूचर से हमको ये भी समझ में आता है कि इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा, वॉट एवर वी हैव स्टडीड, इट इज प्रोवाइडिंग जस्ट द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी. ओके, दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट, दिस चैप्टर because here we are talking of a broader meaning of democracy. ठीक है, इस चैप्टर में वी हैव अंडरस्टूड द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. इट इज नॉट एन आइडियल डेमोक्रेसी, इट इज गिविंग द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी. दिस चैप्टर गिव्स अस a minimum condition of a democracy. बहुत कम हमको पता चलता है इसमें डेमोक्रेसी के बारे में. एंड हर एक डेमोक्रेसी को ये रियलाइज करना, एवरी डेमोक्रेटिक सिस्टम दे हैव टू रियलाइज द ideals of a democratic decision making. ये हम we cannot achieve. There are certain ideals for democratic decision making. There are certain ideals for democratic decision making. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है. ये तब तक हमको अचीव नहीं कर सकते हैं जिसमें कि कॉन्स्टेंट एफर्ट इज देयर टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. लगातार वी हैव टू कंटिन्यूअसली ट्राई, देयर हैज टू बी कॉन्स्टेंट एफर्ट लगातार. ये नहीं कि थोड़ा बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बन गई, चलो लेट इट बी. नो, वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टू मेक दिस सिस्टम अ परफेक्ट सिस्टम. Okay, constant effort is needed to save and strengthen, constant effort is needed to save and strengthen a democratic form of गवर्नमेंट. सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कुछ काम भी करना पड़ेगा. वी ऑल्सो नीड टू पुट इन आवर एफर्ट्स. कल ये नहीं कि ओके वी आर स्टेइंग इन दिस कंट्री, व्हाट इज दिस कंट्री डूइंग फॉर अस. इतने सारे लोग मर रहे हैं, अरे इतने सारे लोग मर रहे हैं, जस्ट गो एंड सी हाउ मेनी पीपल आर स्टिल वॉकिंग आउट विदाउट द मास्क, हाउ मेनी पीपल आर स्टिल, हाउ मेनी टाइम्स आर दे सैनिटाइजिंग देयर हैंड, कितनी कितनी देर पे हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं. तो
वी हैव टू अभी आई जस्ट साइटेड एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन वी कैनॉट सिट इन आवर प्लेसेस एंड जस्ट कीप ऑन कर्सिंग द गवर्नमेंट खाली गवर्नमेंट को गाली देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी हम एज अ सिटीजन व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी कैन मेक टू आवर कंट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओके सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर दैट एज अ सिटीजन वी मस्ट ऑल्सो फॉलो certain rules and regulations. Okay. Our country is more or less democratic. ये क्या है? This is the strength and the weakness of democracy. Fate of country depends खाली rulers के ऊपर नहीं है what we do as citizens that also matters a lot. We must also follow certain rules and regulations तभी country आगे बढ़ पाएगा when we are talking of the benefit of the country when we are talking of the development of the country हमको भी तो अपना role देखना पड़ेगा as citizens what are we doing. So a democratic form of government is distinguished with other form of government. Other form of government जैसे monarchy, dictatorship, one party rule do not require all citizens to take part in politics. वहां पे citizens are not powerful. Dear students, we need to understand it. Other forms of government, क्योंकि हम अगर बाकी के form of government को अच्छा कह रहे हैं ये भी तो देखिए कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा है वहां पे ओके गवर्नमेंट लाइक मोनार्की डिक्टेटरशिप और चाइना में क्या था वन पार्टी रूल एंड वन पार्टी रूल डज नॉट अलाउ ये इट डजंट अलाउ It doesn't let them take part, does not allow all citizens to take part in politics. All citizens to take part in politics. आदेश आते जा रहा है मानते चलिए Just follow the orders. Don't question. Up as a citizen, your role is just following the orders as and when it is coming. So democracy depends on active political participation. Democracy में यही तो difference है. तो अब हमने जो democracy पढ़ा, it is focusing on the democratic politics. It is focusing on the participation of the common people. हमको हर एक तरह से समझना है कि आम आदमी को क्या क्या चीजें मिल रही है आम आदमी को क्या पावर्स मिल रहे हैं एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर चैप्टर यहां खत्म हो जाता है वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स हमको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना है विल बी डूइंग दैट लेकिन द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आर ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस फर्दर आगे जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे तो डेमोक्रेसी का वाइडर मीनिंग इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कभी कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम का वाइडर मीनिंग इज आस्क्ड सो इसको एक बारी ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा स्पेशली द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यू नीड टू गो थ्रू what are the conditions which is important to be in a democracy? What are the arguments that are against democracy? And what are the arguments that are for democracy? Got it? ये सारी चीजें जब आप डिटेल में कर लेंगे, then you would be able to solve each and every question that comes on the
जैसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप उस तरीके के सवालों को डील कर पाएंगे. गॉट इट चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ. गॉट इट चिल्ड्रन? कम लेट्स सी. So dear students, as per our conversation, we have completed this chapter and now we are in the process of discussing the question and answers. Yes, we need to do the question. Yes, this I have downloaded from the net itself. I just wanted to discuss it. That's why I have downloaded it from the net. Otherwise, I suggest and recommend. एक एक चीज़ हमने चैप्टर में से की हुई है. ईच एंड एवरी थिंग दैट वी हैव डन फ्रॉम द चैप्टर यू कैन ईजली जस्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. चैप्टर में से हमने जो कुछ भी किया हुआ है यू कैन ईजली डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो. ये जस्ट बिकॉज आई हैड टू डिस्कस, थोड़ा सा कुछ रिटन मटीरियल चाहिए था, दैट्स वाई आई हैव टेकन इट आउट. अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल. Now some informations are there about four countries. हम लोगों ने जो question देखा था उसमें four countries के बारे में कुछ informations थी. उस information, after going through those information, we have to identify the countries, whether the country is democratic or undemocratic. बस यही हमको बताना है. And जहाँ पर आप sure नहीं हो वहाँ पर not sure दोगे. लेकिन ये this exercise has been given to make you understand कि ये चीज़ चेक करने के लिए है कि आपको डेमोक्रेसी कितना समझ में आया. आर यू अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी इन अ प्रॉपर मैनर, या फिर डेमोक्रेसी है या अनडेमोक्रेटिक है, दिस वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन. तो फोर कंट्रीज़ के जो इन्फॉर्मेशंस थे उसके हिसाब से कंट्री ए में पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन, कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन एंड डू नॉट हैव अ राइट टू वोट. जहाँ पे कि सम रिलीजन इज बीइंग फॉलोड एंड द पीपल आर आल्सो नॉट गिवन अ राइट टू वोट, तो इस तरह की कंट्री को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक कहेंगे कि अनडेमोक्रेटिक कहेंगे. सो चिल्ड्रेन हियर इट इज दैट दिस काइंड ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी डेमोक्रेटिक, डेफिनेटली अनडेमोक्रेटिक. ओके, इसके बाद द कंट्री विच वी आर टॉकिंग अबाउट, पहला क्या है कि आपको अगर राइट टू वोट नहीं है वहीं पे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज गॉन. ओके, एंड इट इज एन अनडेमोक्रेटिक कंट्री. सेम पार्टी, ठीक है, ये एक ही पार्टी जो है इट हैज बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर लास्ट 20 years. 20 years से एक ही पार्टी अगर इलेक्शन विन कर रही है तो इसको आप डेमोक्रेटिक कहेंगे कि अनडेमोक्रेटिक कहेंगे. लेकिन यहां पे हम इसको अनडेमोक्रेटिक इसलिए नहीं कह सकते. देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग वेरी टेक्निकल, समझने वाली बात है. इसको समझना ही पड़ेगा कि अगर हम इसको अनडेमोक्रेटिक कह रहे हैं तो क्यों इलेक्शंस तो हो रहे हैं, एक ही पार्टी को बार बार वोट मिल रहा है, तो क्या हम उसको अनडेमोक्रेटिक कहेंगे? तो इसीलिए यहां पर इट इज गिवेन नॉट श्योर. देन रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 elections. जो भी पार्टी पावर में आ रही है, विच एवर पार्टी इज कमिंग इन द पावर, इट इज लूजिंग द इलेक्शंस. 3 elections आर देयर, द पार्टी इज लॉस्ट इन द इलेक्शंस. दिस इज दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम. हाँ, पीपल्स मैंडेट इज एक्सेप्टेड, लोगों की मर्जी का सम्मान रखा गया. अगर वो पावर में नहीं भी आ रहे and also the decision is readily accepted. Got it? तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, इस तरह के सिस्टम को हम डेफिनेटली डेमोक्रेटिक कहेंगे. देन देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन होना बहुत जरूरी है, और इलेक्शन कमीशन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, somebody is dominating the election commission or imposing the policies on the election commission, election commission ko force kiya ja raha hai kisi cheez ke liye, then it is not democratic. Got it? That is there. To ab is tarah se jab hum isko samjhenge to the things would be quite clear to us. Now डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक नॉट श्योर, ये हमने बता दिया है. अब कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं अबाउट फोर कंट्रीज, इसमें भी अगेन सेम थिंग, डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक बताना है.
पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। आर्मी के लोगों से पूछ के अगर आर्मी के रूल्स बना रहे हैं तो क्या उसको हम डेमोक्रेसी में काउंट करेंगे? नो वेज, नो वेज डियर स्टूडेंट्स। ये तो सबसे अनडेमोक्रेटिक हो गया, दैट परमिशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजन, सो इट इज अनडेमोक्रेटिक। देन द पार्लियामेंट कैनॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। लॉ नहीं पास कर सकते हैं बिकॉज लॉ, व्हेन ए लॉ इज मेड द कंसेंट ऑफ ऑल द हाउसेज इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, बहुत सारे लोगों को उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, तब कहीं जाके कोई रूल जो है वो लॉ बनता है। देन ओनली अ बिल इज चेंज्ड और बिल इज पास्ड एंड मेड इनटू अ लॉ। इसके बाद वी हैव कंट्री, आर पी क्यू आर करके कंट्री इज गिवन। कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विथ अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री के साथ उनका क्या संबंध है? What is the kind of relation they are sharing with the neighboring country? Why is neighboring country interfering into the orders that has been issued? तो ये जो सारी चीजें हैं, this is again raising a question whether democratic or undemocratic. Got it, children? तो इसलिए यहाँ पे not sure है. All the major economic decisions about the country, पैसे से related जितने भी decisions हैं country में, these are taken by officials of the central bank, which the minister cannot change. Central bank के through ही पैसे से related decision लिए जा रहे हैं, तो इसमें undemocratic तो हम इसको नहीं कह सकते, because what happens is money related matters में the leaders of the country वेरी वेल अवेयर। लीडर्स को हो सकता है उतनी ज्यादा जानकारी नहीं हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? देखो ईच एंड एवरी कंडीशन दैट इज गिवन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन। डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक डिसाइड करना इज अ वेरी बिग टास्क, छोटा मोटा काम नहीं है। तो अगर ऐसे ही खाली बोलने के लिए हम डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर रीजन फॉर दैट। There has to be a proper process for that. Got it? Please understand. So, central bank ke ministers, jitne bhi major economic decision hain about the country, it is taken by the officials of the central bank, jisme ki the ministers cannot change. To ye bank ka decision le raha hai, isko undemocratic to nahi kahenge. Ab dekho, which of these is not a good argument in favor of democracy and why? People feel free and equal. देखो चारों के लिए हमको points देना पड़ेगा. So people feel free and equal in a democracy. This is good. ये तो सही है. Democracy resolves conflict in a better way than another. बिल्कुल सही है. Democratic government is accountable to the people and democracies are more prosperous than others. देखो, economic prosperity is not depending on the administration. Administration के ऊपर कुछ है, कुछ decisions लिए जाएंगे, natural resources है, quality of human resource है, किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस तरह का काम करना चाह रहे हैं, finance, country के पास पैसा कितना है, geopolitical scenario क्या है। जियोपॉलिटिकल मींस की ज्योग्राफी इज ऑल्सो अफेक्टिंग द पॉलिटिक्स। पहाड़ी एरिया है, समुद्र के किनारे का एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सारी चीजें कंसिडर करनी है। तो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सम रोल टू प्ले। एक तरीके का गवर्नमेंट है, what kind of a role that government is playing, we need to understand it. So it cannot be seen as a good argument in favor of democracy. Democracy ke liye just giving priority to the economic prosperity is not done. Isko hum bahut zyada support nahi kar sakte, galat to nahi thehrayenge, but then supporting these kind of factors is definitely not done. Okay, नाउ इसमें भी डेमोक्रेटिक एक ऑल द पॉइंट्स दैट आर देयर,
वी हैव टू राइट डाउन द पॉइंट सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट कि इट इज डेमोक्रेटिक बेसिस पे हम डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक. यू नो दीज एक्सरसाइजेस दैट आर देयर, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको हमको इस तरह से समझना ज़रूरी है दैट दीज एक्सरसाइजेस आर वेरी माइंड बॉगलिंग एंड अ लॉट ऑफ थॉटफुलनेस इज इन्वॉल्व इन टू इट. बहुत सोच समझ के ही हमको ये सारे कंप्लीट करने हैं. सो अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को कुछ लॉज पास करने हैं इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड कि लॉज जो बनाने हैं पार्लियामेंट हैज टू पास द लॉज. द मिनिस्टर्स ऑन देयर ओन कैन नॉट फ्रेम द लॉज. सो इट हैज टू बी कन्फर्म टू द रेगुलेशन दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड. और मिनिस्टर सेड कि अब क्या है, द लॉज नीड टू बी पास्ड. ये तो देखो यहाँ पे इट इज गिवन कि लॉ बनेगा तो पार्लियामेंट से ही पास होगा, लेकिन कन्फर्मेशन टू द WTO रेगुलेशन इज अनडेमोक्रेटिक. हमको WTO से कन्फर्म करने की क्या जरूरत है? अपने कंट्री का इंटरनल डिसीजन है. वी आर मेकिंग अ लॉ रिलेटेड टू आवर कंट्री. वाई डू वी नीड टू कंसल्ट द WTO फॉर दैट? वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. गॉट इट? पूरी दुनिया में थोड़ी डिंडोरा पीट रूल्स आए हैं, उस रूल से रिलेटेड हम अपने कंट्री में कुछ लॉज बना रहे हैं. नो, गॉट इट? इंटरनल मैटर्स हैव टू बी डेल्ट इन इंटरनली. ओके, इसके बाद इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग के लिए इन्होंने ऑर्डर किया. दे हैव ऑर्डर फॉर रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से पोलिंग के लिए, रीपोलिंग के लिए ऑर्डर हुआ जहां पे लार्ज स्केल रिगिंग वॉज रिपोर्टेड. रिगिंग मीन्स मैल प्रैक्टिसेस वाइल इलेक्शंस आर गोइंग ऑन. रिगिंग मीन्स कि गलत तरीके से वोट लेने की कोशिश की गई है, दैट इज रिगिंग. ओके, वोट हैज बीन टेकन इन अ वेरी रॉन्ग मैनर. इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग के लिए ऑर्डर किया हुआ है. तो इज इट डेमोक्रेटिक? इट इज टोटली डेमोक्रेटिक कि इलेक्शंस अगर सही नहीं हुए हैं, इलेक्शन कमीशन कैन गेट द इलेक्शंस हैपन अगेन. दिस इज वेरी डेमोक्रेटिक. लेकिन रिगिंग जो हुई है, गेनिंग वोट्स इन अ वेरी रॉन्ग मैनर, इट इज अनडेमोक्रेटिक. ओके, नाउ वीमेंस रिप्रेजेंटेशन has never. इससे क्या हो रहा है? विमेंस ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स. विमेन आर ऑर्गेनाइजेशंस आर डिमांडिंग 1/3 सीट्स फॉर विमेन. तो क्या हुआ है? पुअर लेवल ऑफ विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज अनडेमोक्रेटिक. अनडेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, एंड द डिमांड फॉर 1/3 सीट इज डेमोक्रेटिक. इट्स अ डेमोक्रेसी. हर एक लोग को अपना पॉइंट रखने की आज़ादी है और अपने तरीके से अपनी बात कर सकते हैं. सो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी डेमोक्रेटिक. लेकिन जस्ट 10% ऑफ सीट मेंट फॉर विमेन इज अनडेमोक्रेटिक. ओके, नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, फेमाइन मतलब सूखा अगर नहीं पड़ रहा है तो डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या क्या इसमें रोल है? ऑपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन. यस, क्योंकि देखो वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन. फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट. प्रेस का फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे तक जो रिपोर्ट पहुंच रही है, द रिपोर्ट दैट इज रीचिंग टू द कॉमन पीपल, दैट इज टू बी assessed properly. इसका assessment बहुत ज़रूरी है. And government fears in defeat in the next elections. People are free to believe in and practice any religion. उसका hunger और starvation क्या होता है कि इसमें आप किसी को भी अगर भूखमरी की कगार पे country पहुँच रहा है तो how can you stop anyone from practicing their religion and culture? You nobody can be stopped
from practicing their own culture and religion. Got it? Now there are 40 villages in a district जहाँ पे government has made no provision for drinking water. सबसे बड़ी undemocratic चीज़, democracy में अगर पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है pure, तो क्या government कर रही है? What is the government doing? These villagers एक साथ मिलते हैं, they met and considered many methods of forcing the government to respond to their need. Government को इनकी बात माननी ही पड़ेगी. Which of these is not a democratic method? Filing a case in the court claiming the water, that water is part of right to life. Case कर सकते हैं कि government is not making proper arrangement for drinking water. पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके लिए दे कैन डू द अरेंजमेंट्स. देन बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज. पीपल आर सेइंग दैट वी विल नॉट गो फॉर वोटिंग, वी आर बॉयकॉटिंग द इलेक्शंस. सारी पार्टीज को एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा. एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ एक मीटिंग कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी डेमोक्रेटिक. आराम से बैठ के मीटिंग करके पीपल कैन ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन. पानी पीने के लिए जिसके पास नहीं है वही इस दर्द को समझ सकता है. इट इज़ सो डिफिकल्ट टू स्टे और बी अलाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. ओके, सो दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड. फाइलिंग अ केस, ये तीनों तो डेमोक्रेटिक है. लास्ट, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. किस चीज़ के लिए पे करेंगे? पानी भेज दीजिए हमारे को. इज इट डेमोक्रेटिक? दिस इज समथिंग वेरी अनडेमोक्रेटिक. पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर. गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो. राइटर रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. आर्मी इज मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री. आर्मी ऑफिसर्स जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. सो आर्मी रूल वुड बी अनडेमोक्रेटिक. ये तो डेमोक्रेसी नहीं है. रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल. वॉट वी नीड इज द रूल ऑफ वाइज. ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज देयर, यू नो इट वेरी वेल. तो रेस्ट्रिक्टिंग द रूलर्स फ्रॉम अ स्मॉल सेक्शन कंप्राइजिंग ऑफ वाइज पीपल वुड डिफीट द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, एंड ओनली द रिच पीपल आर गिवन अ चांस. इग्नोरेंट पीपल, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको चांस नहीं मिले. ये दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अनडेमोक्रेटिक. सो अगर रिलीजियस लीडर्स को चाहिए, सो पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी में हम पढ़ाई को मेजर क्राइटेरिया नहीं रख सकते. इफ़ वी वॉन्ट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर्स, वाई नॉट इन्वाइट देम टू गाइड अस इन पॉलिटिक्स एज वेल. जो रिलीजियस गुरुजी जो होते हैं ना, उन्हीं को हम टिकट्स दे के उन्हीं को क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बना दें? क्या होगा? रिलीजियस लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जस्ट बिकॉज दे आर गुरु एंड दे आर वेरी पॉपुलर, इसके लिए उनके हाथ में कंट्री की बागडोर दे देना इज नॉट डन. सो कंट्री शुड बी रूल्ड बाय, कंट्री शुड नॉट बी रूल्ड बाय द रिलीजियस लीडर्स. ओके, के वैल्यू क्या क्या हमको मिल रहा है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कीपिंग विद द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी? जस्ट सी what are the statements that are mentioned here. Okay, so the statements that are here, children, pehla kya hai? The father is saying to daughter, I don't want to hear your opinion about your marriage. Is it democratic? So this is undemocratic. Teacher is saying to the student, don't disturb my concentration, chup raho, chup chap baith jao. Very undemocratic classroom. Okay, so employee is saying to the officer, our working hours must be reduced according to the law. So fundamental right बोल रहे हैं कि आप किसी से भी 15-16 घंटा काम नहीं करा सकते. The rule says, the law says 7-8 hours a day काम कर सकता है एक आदमी. उससे ज़्यादा अगर काम कराएंगे तो आदमी बीमार पड़ जाएगा, health issues हो जाएंगी, which should be considered.
So every citizen have the right to vote. Elections are held regularly. So regular elections and universal adult franchise are important because of the democracy. So this is a very democratic situation. Uske baad, country has taken loan from international agencies. Government would reduce its expenses. Education or health pe paise kam karke aur loan chukta karna chahiye pehle. Do you think it is done? It is not done, dear students. Okay. तो ये सम कंडीशंस आर गिवेन हियर जहाँ पे आप डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक क्लियरली बता सकते हैं. गॉट इट चिल्ड्रन? चलो वी कंप्लीट द चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर. टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू चिल्ड्रन.